हे दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस और इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस में। सो आपको यदि इनमें से कौन सा मोबाइल ख़रीदना है तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहना, क्योंकि एंड तक आपके सारे डाउट है जो एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस में देखने को मिल जाती है 6.21 इंच का HD प्लस IPS टच स्क्रीन डिस्प्ले। और बात करें यहाँ पर इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस की, तो इसमें आपको देखने को मिल जाती है 6.82 इंच की HD प्लस IPS LCD टच स्क्रीन डिस्प्ले। तो यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में आपको स्मार्ट 4 प्लस में एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पर आपको स्मार्ट 3 प्लस में 2 GB रैम और 32 GB रोम देखने को मिलती है, जिसको आप 256 GB तक बढ़ा सकते हैं। और स्मार्ट 4 प्लस की बात करें तो इसमें आपको 3 GB का रैम और 32 GB का रोम देखने को मिलता है, और जिसको आप 256 GB तक आराम से बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर अब बात करें यार, तो ओवरऑल यहाँ पर आपको स्मार्ट 4 प्लस में ज़्यादा रैम देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार बैटरी लाइफ के बारे में। तो यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस में 3500 mAh का लिथियम आयन का बैटरी देखने को मिल जाता है, और वहीं पर आपको स्मार्ट 4 प्लस में एक लॉन्ग बैटरी 6000 mAh की देखने को मिल जाती है। तो बैटरी लाइफ में भी यार ओवरऑल हम बात करें तो यहाँ पर स्मार्ट 4 प्लस में काफ़ी बड़ी बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। तो हम बात करें दोस्तों कैमरा क्वालिटी की, तो यहाँ पर स्मार्ट 3 प्लस में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप 13 MP 2 MP प्लस लो लाइट सेंसर और फ्रंट में 8 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है। और बात करें स्मार्ट 4 प्लस में, तो इसमें भी आपको 13 MP का एक कैमरा प्लस डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है, और आपको फ्रंट में 8 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल कैमरा क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर स्मार्ट 3 प्लस और स्मार्ट 4 प्लस में लगभग आपको सेम कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाती है। हम बात करें यार प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस में आपको हीलियम मीडियाटेक का A22 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और बात करें यार स्मार्ट 4 प्लस की, तो इसमें आपको हीलियो का ही मीडियाटेक A25 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो यार प्रोसेसर की ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर स्मार्ट 4 प्लस में आपको थोड़ा तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं यार कुछ अदर चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर आपको दोनों में ही जो बैक है वो प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है, बिल्डिंग मटेरियल। और यहाँ पर वेट की बात करें तो स्मार्ट 3 प्लस आपको 140 ग्राम का, और वहीं स्मार्ट 4 प्लस आपको 207 ग्राम का देखने को मिलता है। विड्थ यानी कि चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पर स्मार्ट 3 प्लस आपको 76 mm और स्मार्ट 4 प्लस आपको 77.9 mm को देखने का मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थिकनेस यानी कि मोटाई के बारे में। तो स्मार्ट 3 प्लस आपको 7.8 mm का देखने को मिलता है, स्मार्ट 4 प्लस आपको 8.9 mm का देखने को मिल जाता है। OS वर्जन की बात करें दोस्तों, तो स्मार्ट 3 प्लस आपको एंड्रॉयड 9 वर्जन पर देखने को मिलता है, वहीं आपको स्मार्ट 4 प्लस एंड्रॉयड 10 वर्जन को देखने को मिलता है, और दोनों में आपको एक्सोस लॉन्चर का UI देखने को मिल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। तो यहाँ पर दोनों ही मोबाइल आपको 7 से 8 हज़ार के बीच में देखने को मिल जाएंगे। इनके प्राइस थोड़े बहुत आगे पीछे होते रहते हैं, तो आप इनको सर्च कर देख सकते हैं। सो आपको यार वीडियो पसंद आई है और थोड़ी बहुत मेहनत दिखी है भाई की, तो यार लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करें। जय।